In this video, we are going to solve numericals related to EMF, terminal voltage and grouping of cells. देखो ये first numerical है, ये सबसे important numerical है जो सबसे पहले मैं solve करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार इस पर question आया हुआ है. Graph दे देता है, पूछ लेता है terminal voltage क्या है, EMF क्या है, internal resistance क्या है. तो graph के through आपको study करना होता है, और ये यकीन मानो कि सबसे ज्यादा टाइम सेविंग क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा इजी न्यूमेरिकल ये होगा, और आएगा 3 मार्क्स में, एटलीस्ट 3 मार्क्स में पक्का आना ही आना है इसने. तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो उसने आपको ग्राफ दे दिया, वी एंड आई के बीच ग्राफ दे दिया, इसके ऊपर लाइन बनी हुई है, ये ग्राफ ड्रॉ है, और डेटा दे रखा है, करंट की वैल्यूज गिवन है, वी की वैल्यूज गिवन है, हमसे पूछ क्या रखा इसने. ठीक है, सबसे पहले तो यही बता रखे कि करंट एंड वोल्टेज के बीच ग्राफ है, और हमसे पूछ रखे सबसे पहले ईएमएफ ऑफ सेल, सेकंड मैक्सिमम करंट ऑब्टेन फ्रॉम दी सेल, एंड थर्ड वन इज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल. तो आपको थोड़ा सा याद करवा दूं मैं, ईएमएफ क्या था. ईएमएफ था जब हम सेल से करंट ना ले तो उसके टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है उसको हम ईएमएफ कहते हैं. तो हमको ईएमएफ निकालना है, तो हमको कौन सा पॉइंट चूज करना पड़ेगा, जब करंट की वैल्यू जीरो हो, हम करंट ले ही ना रहे हो, तो वो पॉइंट कहां पे होगा, वो पॉइंट है ये रहा, यहाँ पे करंट की वैल्यू जीरो है ना, तो इसके कोरस्पोंडिंग ग्राफ कहां पे टच करे, ये रहा 1.4 पे. तो इसका मतलब जब करंट हम नहीं ले रहे तो वोल्टेज की वैल्यू है 1.4 वोल्ट. इट मीन्स ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज 1.4 वोल्ट. वेरी इजी. सेकंड है मैक्सिमम करंट ऑब्टेन फ्रॉम दी सेल. ठीक है, मैक्सिमम करंट हम कितना ले रहे हैं, ग्राफ से साफ पता लग रहा है जी, 0.28 एम्पियर. तो 0.28 एम्पियर इसकी वैल्यू हो गई. ठीक है, वैसे अगर कंसेप्चुअली अपने देखें वोल्टेज की करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, करंट की वैल्यू मैक्सिमम तब होती है जब रेसिस्टेंस को हम मिनिमम कर दें. देखो यहाँ पे टू टाइप्स के रेसिस्टेंस है, एक तो सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस है, एक बाहर से रेसिस्टेंस जो हमने लगाया. अब सेल का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो तो हम यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बाहर का रेसिस्टेंस अगर चेंज कर सके तो क्या करना होगा, बाहर का रेसिस्टेंस जीरो कर दो. अगर बाहर का रेसिस्टेंस जीरो होगा तो वी इक्वल्स टू आई आर, आर जीरो तो वी भी क्या हो जाएगा, जीरो. तो बाहर कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो इट मीन्स जब वी की वैल्यू जीरो होगी तब करंट मैक्सिमम होगा. वी की वैल्यू जीरो कहाँ पे है, ये रे वी की वैल्यू जीरो, इसके कोरस्पोंडिंग आई कहाँ पे टच करे, यहाँ पे 0.28. तो ये कंसेप्चुअल वे में देखा, और बाकी डायरेक्ट भी आप देख सकते हो कि देखो कहाँ पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, ग्राफ पे यहीं पे तो है, ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है 0.28. थर्ड वन इज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल. इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड करना है तो इंटरनल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, वो होता है ई इक्वल्स टू वी प्लस आई आर, ई इक्वल्स टू वी प्लस आई आर. ठीक है, हम क्या करते हैं, वैसे तो इससे भी सोल्व कर सकते हैं लेकिन डिफिकल्ट पड़ेगा. एक सिंपलेस अपनी सिंपलिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम करंट वाला केस ले लेते हैं. जब करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो वी की वैल्यू क्या होगी, जीरो. जब देखो ये करंट की वैल्यू जब मैक्सिमम है, करंट की वैल्यू जब मैक्सिमम है तब वी की वैल्यू जीरो है. तो इस फॉर्मूले में अगर पुट करोगे तो क्या आएगा, ई इक्वल्स टू जीरो प्लस आई मैक्सिमम इंटू स्मॉल आर. इससे स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या बनेगा, ई अपॉन आई मैक्सिमम. अब आपके पास ई निकाल रखा है आपने, आई मैक्सिमम निकाल रखा है, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, 5 ओम आपका आंसर आ जाएगा. और लास्ट 10 ईयर में मैं आपको बता दूं कि 3 बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ग्राफ दे के ये टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ वगैरह पूछा हुआ है. तो कितना सिंपल है, देखो 1 मिनट के अंदर 3 मार्क्स पक्के है ना. चलो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल वो नेक्स्ट वीडियो में ही सेंड करता हूँ.